और मौलवियों ने झांसा क्या दे रखा है आपको, खूबसूरत लड़कियों पर शैतानी असर जिन्नात आ जाते हैं। ये फिल्मी दुनिया की एक्टरों से पूछो, एक्ट्रेस एक्ट्रेस जो होती हैं इनके ऊपर क्यों नहीं आते, ये कैटरीना कैफ के ऊपर क्यों नहीं आते, हेमा मालिनी के ऊपर क्यों नहीं आते, और कौन कौन है अभी एक नई बहरूपिया जो बदली है अभी नई नई, और ढोंग करने के लिए फिर चली आई एक मुफ्ती के साथ शादी कर ली, और वो मुफ्ती भी अब ढोंग कर रहा है, वो बेचारी वहां से निकल के आई फिर ये भी वीडियो बनवा रहा है, और दोनों हाथ में हाथ पकड़ कर आए थे कुर्सी पर, देख मोबाइल में देखिए, अरे नाम मत लीजिए दो कौड़ियों के लोगों के, हमें मालूम है तुम बहुत जानकार हो उनके, देख रहे ये हाल है इनका। अब उसके ऊपर दम कर रही है, वो उसके ऊपर दम कर रहा है, और उसकी वीडियो बनाकर उसमें डाली जा रही है मोबाइल, और ये काम मुफ्ती करवा रहा है अपनी बीवी से। इनके ऊपर क्यों नहीं आते, ये जो घूमने आती है आगरे का ताजमहल और बंबई का ताज और इंडिया के, ये ईसाइयों की और यहूदियों की औरतें जो इंग्लैंड से आ रही हैं, लंदन से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, है जो स्कर्ट पहन के, इनके ऊपर क्यों नहीं आते, सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारी लड़कियां हैं, हमारी लड़कियों के ऊपर जिन्नात आ रहे, इनके ऊपर कभी आपने देखा है नहीं, क्यों, मौलवी उनके पास जा नहीं सकता, ये मौलवी को बुला नहीं सकती, इसलिए मौलवी उनके ऊपर जिन्नात नहीं बताएगा, इनके ऊपर आसानी से बता देता है कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात है, कमाई है इसमें बहुत बड़ी, पैसा इसमें जितना चाहो बेवकूफ बना दो, जितना चाहो बेवकूफ बना दो और जितना चाहो ले लो, हजारों लाखों रुपया बेचारा दवा इलाज में मेड सक, अब कहीं नहीं फायदा, मौलवी की बात पे यकीन कर रहा, मौलवी ने बड़ी आसानी से कह दिया जिन्नात है। बहुत कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने, बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान आसुरे बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की, पूरा कुरान वरनास तक तीसरे पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे मेरे भाइयों। पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है, इन इस तिलावत से जरा आप चीखिए, अभी तो हुदल मुत्तकीन पर है। पहली चीज जालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान शक और शुबे से खाली है, पाक है, साफ है, शक और शुबा जिसके अंदर है वो कुरान न पढ़े। दूसरी चीज ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो डर रखता है अपने अंदर, खौफ खुदा रखता है अपने अंदर, और जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है, देख लीजिए हमारी मस्जिदों में रमजान में तरावी होती है, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पूरा कुरान खत्म कर देते हैं, पहली तारीख से लेकर तीसरे या उनतीसवें रोजे तक एक कुरान पूरा मुकम्मल कर दिया जाता, खत्म। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए जैसे ही रमजान का चांद हुआ, ईद का चांद हुआ, वही रोजा खुलने वाले, इफ्तार करने वाले लोग, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, वही खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करने वाले लोग चांद होते ही बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं, और हमारी मां बहने इस तरीके से बाजारों में घूमती हैं कि गैर मर्दों के साथ उनके धक्के लगते हैं, उनके उनके जिस्म एक दूसरे से टच होते हैं, और कोई उनको परवाह नहीं होती इस बात की चांद रात वाले दिन हमारा क्या हाल होता है। आप टेलीविजन पर लखनऊ, कानपुर, अपने कोलकाता और इसी तरीके से दिल्ली और मुंबई के मार्केटों का हाल देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों का हाल देख सकते हैं, जहां टीवी एंकर बड़े धड़ल्ले से बताती है कि आज मुसलमान औरतें खरीदारी के लिए निकली, मुसलमान मर्दों का जिक्र कम किया जाता है, मुसलमान औरतों का ज्यादा, ये बताने के लिए, ये हमारी खोपड़ियों में घुसड़ने के लिए कि औरतें भी तुम्हारे इस्लाम की तालीमात को नहीं मानती है, ये भी आज मगरबी तहजीब वेस्टर्न कल्चर की दिलदादा है और पश्चिमी सभ्यता की भूखी है, और ये उसी रास्ते पे चल रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं, ये सूरत हाल में आ जाती है। हमारी जिंदगियों में कहां इनकलाब आ रहा है,
मिर्च पहले तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले नमकीन था, आज भी नमकीन है। शकर पहले मीठी थी, आज भी मीठी है। नमक की तासीर नहीं बदली, मिर्च की तासीर नहीं बदली, शकर की तासीर नहीं बदली। ओ लोगों, कुरान जो पहले पढ़ते थे और सुनते थे उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, वो इस्लाम के हीरो बन जाया करते थे, वो इस्लाम के दिल दादा हो जाया करते थे, वो इस्लाम के नाम पर मरते थे और इस्लाम के नाम पर जीते थे। उनका ओढ़ना बिछोना इस्लाम हो जाया करता था। वो चलते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो उड़ते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो बैठते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो खाते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो शादियां करते थे तो इस्लाम के तरीके पर। उनकी जिंदगी का एक एक मिनट इस्लाम के उसूल और जाब्तों पर चलता था, ये उनकी दुनिया बदल जाती थी। ओ लोगों, जब नमक की और मिर्च की तासीर नहीं बदली तो कुरान की तासीर कैसे बदल गई? ये कुरान पढ़ने के बाद इंसान की दुनिया बदल जाती थी, लेकिन ये आज कुरान पढ़ते वही के वही है। आज हम अपने घर को नहीं बदल सकते हैं, कलिया चक क्या बदलेंगे? हम अपना घर चेंज नहीं कर सकते, हम बलिया डांगा क्या चेंज करेंगे? हम अपने घर में इस्लाम नाफिस नहीं कर सकते, हम पूरे मालदा में, फिर बंगाल में, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम क्या नाफिस करेंगे? जो आदमी अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन और बेटी को इस्लाम की चार दीवारी में कैद ना कर सके और उसकी जिंदगी में इस्लाम नाफिस ना कर सके, वो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे नाफिस करेगा? ये उम्मीदें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, इसकी उम्मीदें अब नहीं की जा सकती हैं। इसलिए फरमाया, बुनियादी चीज है कुरान को शक और शुबे की नजर से पाक को साफ रखो। फिर दूसरी शर्त यह है, कुरान को जब पढ़ो तो अल्लाह का डर और खौफ खुदा हमारे दिलों में होना चाहिए। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। याद रखना, खौफ खुदा है तो कुरान से हिदायत मिलेगी, खौफ खुदा नहीं है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे मरहले बड़े सख्त हैं, आगे बताया जा रहा है कितनी परेशानी आएंगी। जब अल्लाह का डर ही नहीं तो उन परेशानियों को कैसे तो बर्दाश्त करोगे? इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का, हम कुर्बानी देना जानते ही नहीं है। आपने जलसा कराया, ऐसे ही थोड़ी जलसा हो गया है, आपने कुर्बानी दी है, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, दस रुपया, हजार रुपया आपने देकर ये जलसा कराया है। अगर आपने तआव्वुन न किया होता, ये कुर्बानी नहीं दी होती तो ये जलसा नहीं होता। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का, ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह आसमान से जमीन पर अपना घर बनाने के लिए नहीं आएगा। आप ही लोगों के जरिए ये पैगाम नाफिस करवा दिया अल्लाह के रसूल के जरिए कि मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना। लोगों, ये मैं लालच दे रहा हूं तुम्हें, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर तुम्हें मेरे इस लालच पर यकीन है और जन्नत में अपना घर चाहते हो तो दुनिया में मेरे घर को आबाद करो, मेरा घर बनाओ। अगर मेरा घर दुनिया में बनाओगे तो आखिरत में हम तुम्हारा घर बनाएंगे। तो मिट्टी और चूने और गारे से, सीमेंट से हमारा घर बनाओगे, हम एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, उससे तुम्हारे घर को हम तुम तामीर करेंगे, हम तुम्हें वो घर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के नबी के दिए हुए इस लालच पर अगर हमारा यकीन और ईमान है तो हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, और नहीं है खौफ खुदा हमारे अंदर तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती। लालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। अब अल्लाह से डरने वालों की किसी किस्म की तरफ कुरान इशारा कर रहा है, किन लोगों के लिए अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, एक एक चीज पर आइए, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान का क्या माना है? गैब पर छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजें भी हैं, हाँ,
जो हमारे सामने नहीं है लेकिन है, जैसे अल्लाह को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जन्नत को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जहन्नम को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। यह कुरान किन लोगों के लिए हिदायत है? जो छिपी हुई गैब की चीजों पर यकीन रखते हैं, जिन्नात को देखा नहीं लेकिन ईमान रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं, मौली साहब बहुत देखा। कहां देखा? पाखंडियों के पास, बहरूपियों के पास रोज जिन्नात आते हैं। आपने देखा होगा एक मौलवी के पास एक औरत बैठी है, आंख खोले कर रही है और मौलवी कह रहा है इसके ऊपर जिन्नात आ गया है और पढ़ रहा है। सिर्फ मौलवी को दिख रहा है वो जिन्नात। लड़की को जबरदस्ती मारा जा रहा, तुझे बोल कहां से आया, बोल बोल। बहुत देर के बाद वो लड़की बोलती है, कहां से आए? बहरामपुर से, कलकत्ता से। क्यों आया इसके ऊपर? अच्छी लगती है। सवार है उसके ऊपर जिन्नात, वो मर्द है। लड़की के ऊपर आया है कोई उस उल्लू के पट्टे और गधे मौलवी से पूछे, जब इसकी ऊपर मर्द जिन्नात सवार है तो मर्द की बोली क्यों नहीं निकल रही है? लड़की की आवाज क्यों निकल रही है? मौलवी कहता है ये वहाबी है, भगा उसको। सवार है उसकी ऊपर मर्द जिन्नात, कलकत्ता से आया, बंबई से आया, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से चलाया, कॉलेज से चलाया, लेकिन आवाज उसकी निकल रही है लड़की की। समझ रहे हैं? الذين يؤمنون بالغيب, जो गैब पर ईमान रखते हैं। हमने जन्नत देखी नहीं लेकिन जन्नत पर यकीन, जहन्नम देखी नहीं लेकिन जहन्नम पर यकीन, फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन फरिश्तों पर यकीन, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर यकीन, जिन्नातों को देखा नहीं लेकिन जिन्नातों पर यकीन कि हाँ है मखलूक और इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरी तपस्या करें, मेरी इबादत करें और मेरे अलावा किसी की इबादत न करें। मैंने इंसानों को, जिन्नों को और इंसानों को, जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया।